कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेगनेंसी ना होने का सबसे आसान तरीका है, मतलब गर्भ ना ठहरे। लाखों महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन करती हैं। क्या आपको पता है इन गोलियों को भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। बिना एडवाइस के इन गोलियों को लेना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में। इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब क्या कंटेंट है, इसके डोजेस मतलब कैसे लेना चाहिए इसको, इसके फायदे नुकसान, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। इसमें होता है लिवोनॉर्ज एस्ट्रियोल और एथिनोलो एस्ट्रोडियोल, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में ये एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये महिलाओं के शरीर में बनने वाले हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स ओवरी से निकलने वाले अंडों को रोकते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। जब कोई अंडा बाहर ही नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी होने का खतरा अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए इन हार्मोन्स को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में लिया जाता है ताकि अनचाही प्रेगनेंसी से बचा जा सके। चलिए इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इन गोलियों को आप एमसी के 5वें व 6वें दिन से ले सकती हैं। पीरियड साइकिल 21 दिन का माना जाता है। आपको हर रोज सेम टाइम पे गोली लेनी है। महीने में यदि आप 102 गोलियां भूल भी जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन इससे ज्यादा मिसडोज नहीं होना चाहिए। यदि मिसडोज हो भी जाता है तो भी अगले दिन सिर्फ एक ही गोली लेनी है, ना कि आप पिछले दिन की भी गोली उसके साथ लें। चलिए इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं। इसके काफी फायदे हैं। ये संबंध बनाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जिन महिलाओं को पीरियड आने पर कमर दर्द, पेट दर्द होता है, वह दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ये बच्चों का गैप बनाए रखने में मदद करती है। ये गोलियां आपको प्रेगनेंसी से ही सुरक्षा नहीं देती है, बल्कि आपको हार्मोन बैलेंस को भी बनाए रखने में मदद करती हैं। खासकर आपके पीसीओडी या पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिसीज में भी आपको मदद करती है। ये एक्ने पिंपल्स रोकने में भी मददगार साबित हो सकती है। जिन महिलाओं को पीरियड अनबैलेंस हो जाता है उनका भी पीरियड मेंटेन कर सकती है। अक्सर सुनने में मिलता है कि यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज कर रही हैं और आप चाहती हैं कि प्रेग्नेंट होना, तो आपको 3-4 महीने पहले पिल्स को लेना बंद करना होगा। जबकि रियलिटी इससे एकदम अलग है, क्योंकि इसका असर आपकी बॉडी में जल्द से जल्द खत्म हो जाता है और हार्मोन अपने नेचुरल तरीके से रिलीज होने लगता है और अंडे बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसलिए से तो इन गोलियों को लेने से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी कुछ महिलाओं को उल्टी, वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर, जी मसलाना वगैरह, इन सभी की शिकायत होने लगती है। लेकिन जिनको लीवर डिसीज की प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल इस गोली को नहीं लेना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए। और जो 35 साल के बाद जो महिलाएं यदि लेती हैं तो बिल्कुल मैं उनको लेने से बिल्कुल मना करूंगा या बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज करें। और अगर आप लेती भी हैं तो ये डॉक्टर को बिगर बताए आप बिल्कुल इन टैबलेटों का यूज ना करें। जो भी महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां या कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स पिल्स लेती हैं उनको बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस दवाई का जितना नुकसान है उससे कहीं ज्यादा फायदा है, क्योंकि कोई भी दवाइयां लेती हैं अगर कहीं फायदा करती हैं तो कहीं नुकसान करती हैं। लेकिन इस दवाई का फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, तो इससे कोई घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बस जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए मेहमानों से अनुरोध है कि वो नीचे लाल कलर का जो बटन है उसको दबाकर बेल वाले घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आप